Hello friends, how are you? I hope you are very good. Welcome to my YouTube channel ASP Episode Pro. You come first time my channel, please subscribe my channel. Press bell icon, get notification. Like, share, comment and watch full video. तो आज हम बात करने जा रहे हैं C++ programming में language में keywords क्या होते हैं. Keywords is a reserved word. You cannot use it as a variable name, constant name, etc. Keywords को हम कैसे use करते हैं, जैसे कि ये वो reserved keyword होता है ना, ही हम उसको variable name में use कर सकते हैं ना constant name में. तो हमारे कुछ keywords हैं जैसे कि auto, break, case, care, constant, continue, default, do, double, else, nm, extra, float, for, go to, if, in, long, register, return, short, sign, size of, static, struct, switch, type, diff, union, unsigned, void, violet, volatile, while, sm, dynamic, cast, name, space, reinterpret, cast, underscore, bool, explicit, new, static, underscore, cast, false, cast, operator, temp, friends, class, private, this, in, public, from, const, underscore, post, delete, mutable, protected, true, try, टाइप आई डी, टाइप नेम, यूजिंग वर्चुअल एंड डब्ल्यू कैर अंडर स्कोर. तो ये तो हमारे कीवर्ड्स हो गए जो हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं और ये रिजर्व होते हैं. उसको हम वेरिएबल नेम से इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन नेम में भी इसकी कोई भी कॉन्स्टेंट होता है उसमें भी डिफाइन नहीं कर सकते, फंक्शन में भी डिफाइन नहीं कर सकते. ऑल दिस यूजर डिफाइंड हम अपने जैसे कि डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं और ये सब एरे हो रहे इसमें सब में उसको नहीं यूज कर सकते हैं, ये पहले से ही डिफाइंड होते हैं. और हमारे सी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और सी एन ऑपरेटर इज अ सिंपल सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस. देयर कैन बी मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक, लॉजिकल, बिटवाइज एटसेट्रा. तो हमारे ये ऑपरेटर्स हो गए जो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं किसी ऑपरेंट के थ्रू. तो हमारे ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारे तीन होते हैं, जैसे बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर और टाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर में जैसे हमारे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर. अर्थमेटिक में हमारे क्या आते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड और हमारे क्या होगा, मॉड्यूल हो गया. और रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब हमारे रिलेशन ऑपरेटर हो गए. लॉजिकल ऑपरेटर हो गए एंड, डबल एंड हो गया और डबल और हो गया, नॉट हो गया. और बिटवाइज ऑपरेटर हमारे बिट पे काम करते हैं, एंड और शिफ्ट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, टिल्ड, कैरी, ये सब हमारे क्या हो गए, बिटवाइज ऑपरेटर हो गए. असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए हमारे इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एम, मॉडुलो इक्वल टू, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए. और यूनरी ऑपरेटर में हमारे क्या होते हैं, जैसे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं. टर्नरी ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हमारी थ्री कंडीशन को हमारी कैसे चेक करी जाती है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में. और हमारे C++ में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, C++ आइडेंटिफायर इन अ प्रोग्राम आर यूज टू रिफर to the name of the variables, functions, array or other user defined data types created by program. Identifier क्या होते हैं, जैसे variables हो गए हमारे, new functions हो गया, array हो गई और other user defined हमारे data types होते हैं यूज करते हैं हम, और identifiers होते हैं. जैसे ये हमारे constant identifier होता है, जैसे कि constant जैसे कोई वेरिएबल किसी भी वैल्यू को असाइन करना, constant से डिक्लेयर करना, तो constant identifier हो गया हमारा. वेरिएबल्स हो गए जैसे कि इंट, ये हमने ए हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ये हमारा आइडेंटिफायर हो गया. फंक्शन आइडेंटिफायर, जैसे कि हमने इंट फंक्शन बनाया, ये फंक्शन क्या है, नेम हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया. ये वैल्यू हमें रिटर्न करेगा हेलो, क्योंकि इंटीजर टाइप का हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन आइडेंटिफायर हो गया. लेबल्स का तो जैसे गो टू स्टेटमेंट में हम लेबल्स डिफाइन करते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है, इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, लेबल्स यूज करते हैं.
और डिफाइंड डेटा टाइप्स, और जैसे जो डिफाइंड डेटा टाइप्स कैसे यूज करते हैं, जैसे कि क्लास बनाए हमने, इसमें स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, जो डिफाइंड डेटा टाइप हो गया, उसके बाद फिर हम एसक्यूएल हमारा एक वेरिएबल हो गया, तो हमारे क्या हो गए आइडेंटिफायर। हमारे सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, जिसका कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर्स का, कॉन्स्टेंट्स का एंड वेरिएबल का। एन एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑपरेंड्स, एक और ज़्यादा ऑपरेंड्स को यूज कर सकता है, एंड जीरो और मोर ऑपरेटर्स को यूज कर सकता है प्रोड्यूस अ वैल्यू, तो प्रोड्यूस करके वैल्यू मतलब यूज करके क्या करता है, हमें वैल्यू प्रोड्यूस करता है। तो हमारे एक्सप्रेशन हो गए, एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि वेरिएबल हो गया इक्वल टू हमारा एक्स प्लस वी इन टू सी डॉट डॉट एटसेट्रा। तो हमारा वेरिएबल क्या हो गया, हमारा वेरिएबल टू स्टोर द एक्सप्रेशन वैल्यू, वेरिएबल क्या करेगा हमारा वैल्यू को स्टोर करेगा, और एक्स क्या है हमारा ऑपरेंड हो गया फर्स्ट, और प्लस क्या है ऑपरेटर हो गया हमारा, वी क्या है सेकेंड ऑपरेटर ऑपरेंड हो गया, और इन टू क्या है सेकंड ऑपरेटर हो गया, सी क्या है थर्ड ऑपरेंड हो गया। तो ये हमारे एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं, इस तरह करते हैं। और हमारे जैसे हमारे कांस्टेंट ऑपरेटर और कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो गए, जैसे कि एक्स एग्जांपल में एक्स इक्वल टू टू डिवाइड बाई थ्री इन टू फोर, तो हमारे क्या होगा कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन हो गया। जैसे इंटीजर एक्सप्रेशन हो गया, जैसे जो इन एक्स वाई जेड हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिए, उसमें जैसे कि एक्स इंटू वाई माइनस फाइव में असाइन कर देंगे जेड में, तो हमारे इंटीजर एक्सप्रेशन हो गया। फ्लोट एक्सप्रेशन फिर से हो गया, हमारे फ्लोट एक्स वाई जेड हमारा हो गया, फिर एक्स इंटू वाई माइनस फाइव पॉइंट एट हमारा जेड में इसकी वैल्यू चली जाएगी, तो हमारा फ्लोटिंग एक्सप्रेशन हो गए। पॉइंटर एक्सप्रेशन जैसे कि इंट एस टी पी टी आर, पी टी आर जो एम परसेंट ए, जैसे कि एम परसेंट क्योंकि वैल्यू है वेरिएबल है, इसमें असाइन हो जाएगी एड्रेस को पॉइंट करेगा, तो हमारा क्या होगा पॉइंटर एक्सप्रेशन हो गए। रिलेशन एक्सप्रेशन के बारे में जैसे कि जैसे कि रिलेशन ऑपरेटर का यूज करके परफॉर्म करते हैं कोई चीज़, तो हमारे क्या होगा रिलेशन एक्सप्रेशन हो गए। जैसे ए माइनस बी और ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो हमारे क्या होगा रिलेशनल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन हमारे क्या होगा जैसे कि ए ग्रेटर देन बी एंड एक्स ग्रेटर देन वाई, तो ये हमारे क्या होगा लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गए। बिट वाइज एक्सप्रेशन जैसे कि एक्स शिफ्ट करेगा वन को, तो ये क्या होगा हमारे राइट शिफ्ट करेगा, तो क्या होगा हमारे बिट वाइज एक्सप्रेशन हो गए। और स्पेशल असाइनमेंट जैसे कि एक साथ कई एक जैसे कि एक एक से ज़्यादा वेरिएबल में एक ही वैल्यू असाइन करनी होती है, तो हम क्या करते हैं असाइनमेंट स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो हमारे सी प्लस प्लस में कमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस कमेंट्स आर स्टेटमेंट दैट आर नॉट एक्सिक्यूटेड बाय द कंपाइलर, क्या करता है जो सी प्लस प्लस कमेंट होता है हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है। सी प्लस प्लस कमेंट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कैन बी यूज प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड वेरिएबल्स एंड मेथड, जैसे कोई हमने वेरिएबल डिफाइन किया मेथड डिफाइन किया, तो हमें स्पेशल मतलब उसके बताता है कि ये चीज़ ये है ये चीज़, जैसे कि हम छोटे प्रोग्राम मेथड्स में नहीं यूज, लेकिन हमारे कोड जो हमारे बड़े हो जाते हैं, तो जैसे कि कहाँ क्या चीज़ हो रही है क्या चीज़ नहीं हो रही है, उसको हम बताने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। इससे हम इजी टू फ्यूचर में रियल वर्ल्ड में जैसे कि हमारा रियल टाइम में जैसे कि प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें जैसे कि यूज़ करना हो कोई भी, जैसे कि उसको अंडरस्टैंड करना हो किसी को भी, तो हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कमेंट्स टू टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, जैसे कि int x इक्वल टू 11, तो x इज अ वेरिएबल, तो ये हमने जैसे कि डबल स्लैश लगा दिए, तो हमारे क्या हो गए ये हमारे सिंगल लाइन कमेंट हो गए। और मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे हो गए, जैसे कि हमारा एग्जांपल है एस स्लैश एस्ट्रिक वी डिक्लेयर एंड प्रिंट वेरिएबल इन सी प्लस प्लस एस्ट्रिक स्लैश, तो इंट एक्स इक्वल 35, तो ये हमारे जो इसके बीच में डिक्लेयर एंड प्रिंट वेरिएबल के साथ इसके बीच में एक मिलते हैं, इस तरह मल्टी लाइन को मल्टी ऊपर लाइन में हम कमेंट्स को डिक्लेयर करते हैं, तो हमारा कमेंट्स हो गए। और हम सीखेंगे हाउ टू रन सी प्लस प्लस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ।
तो हमने जैसे कि हमारा ये विजुअल स्टूडियो हमारा, तो हम यहाँ पर एक ब्लैंक पेज क्रिएट करते हैं और इसमें हम देते हैं, हम कमेंट से राइट करते हैं। उसके पहले हम पेज को सेव कर लेते हैं। तो हमने इसको नेम दे दिया डेमो हेलो डॉट सी पी पी। सी पी पी हमारा क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है। तो हम यहाँ पर देते हैं दिस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें हैज इंक्लूड मटर फाइल, अपनी हमारी कौन सी होती है सी प्लस प्लस में, आईओ स्ट्रीम, इसमें हेडर फाइल यूज करते हैं। फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एस टी आई, ये हो गया। फिर उसके बाद हम इंट मेल सी आउट हमारा डिस्प्ले करने के लिए होता है, और फिर हमारा इंट मेल मेरे का हमारा मेन फंक्शन होता है एंटायर प्रोग्राम का। फिर इसमें लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, और हमें एंड लाइन करना है तो एंड लाइन के लिए ये होता है। और फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या रिटर्न कराएंगे, रिटर्न जीरो, ये हमारा प्रोग्राम है। अब इसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद ये प्रोग्राम हम दोबारा दिखा रहे हैं आपको टर्मिनल में। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। आगे जानेंगे कि हम कंडीशन कैसे यूज करते हैं, इफ एल्स एंड ये सब इस बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकन गेट नोटिफिकेशन।